निराशा भी आती है और एडवर्सिटी भी आती है, फिर भी संकल्प कैसे टिके रहा। तो इस तरह का कोई भी, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी संकल्प नहीं था। यद्यपि ये जब मैंने किया तब मेरी खुद की समझ बहुत कम थी, 13 साल के बच्चे की समझ ही क्या होती है, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसका पूरा क्या मतलब क्या होता है, ये पूरी अकल थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन वो संकल्प तो किया, इसीलिए तो मैं बड़ा भाग्यवान मानता हूँ अपने आप को कि वो संकल्प किया, क्योंकि उसके कारण सारे कंफ्यूजन दूर हो गए। मैं क्या पढ़ूं यहां से लेके इवन पत्नी का चुनाव करते समय मेरा एक मेजर क्राइटेरिया ये था कि संकल्प तो मेरा ये है। तो रानी की भी प्रवृत्ति वैसी थी, इसलिए हमने शादी की। हमारा कोई लव एट फर्स्ट साइट नहीं था, हम 9 साल साथ में पढ़े, उसके बाद शादी की। तो अगर आपको बहुत जितने जल्दी बहुत कम उम्र में होना चाहिए, ऐसे कोई आवश्यक नहीं कि हर एक को 13 साल में हो जाए। मेरा एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए किसी को 13 साल में ही लव हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि हर एक को 13 साल में प्रेम करके शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन उससे एक तो ये फायदा हुआ कि बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो गए और निर्णय बहुत क्लियर हो गए। अब उस निर्णय पे टिके रहने के पीछे दो चीजें लगती है, एडवर्सिटी तो आएंगी, मुश्किलें तो आएंगी, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। और जितना चर्चिल का एक बड़ा सुंदर वाक्य है, उसने कहा कि इफ यू आर फाइंडिंग थिंग्स गोइंग वेरी इजी, बीवेयर यू आर डिसेंडिंग नाउ। इफ यू आर असेंडिंग, हाँ सांस खुलेगी, थकान आएगी, जोर लगाना पड़ेगा। अगर सब चीजें आसान चल रही है तो समझ जाओ कि मामला गड़बड़ है, तुम्हारा अधपतन हो रहा है, नीचे फिसल रहे, क्योंकि फिसलना इतना इजी होता है, कंफर्टेबल होता है। तो अगर आपका कोई ऐसा ध्येय है या संकल्प है जो कुछ अलग है, तो कोशिश तो करनी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा, मुश्किलें आएंगी, चोट आएंगी, फिसल के गिरेंगे, सब कुछ होगा। अब टू कम टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, तो ऐसे स्थिति में किस चीज से आपका संकल्प टिके रहता है? दो तीन चीजें, इसका एक जवाब नहीं है, लेकिन एक तो है आपकी वैचारिक क्लैरिटी चाहिए, तो आपका विचार या बुद्धि। जो भी मुझे अनुभव आ रहा है, जो मैं देख रहा हूं, जो प्रॉब्लम है, इसको मैं कैसे पार करूं, बुद्धि मदद करती है। अगर कोई फेल्यूर भी आया तो भावनिक निराशा तो आती है, कोई भी इंसान है तो कुछ हद तक तो भावनिक निराशा आएगी, लेकिन फिर बाद में बुद्धि मदद करती है। लेकिन ये फेल्यूर क्यों आया, इसमें मेरी गलती थी कि परिस्थिति ऐसी थी, मैं और कुछ कर सकता था क्या? तो विचार और बुद्धि इसमें मदद करती है। तो ऐसे जब क्षण आते हैं जब मुश्किलें बहुत हैं या चोट खाई है, गिर गया हूं, फिसल गए, तो ऐसे में एक तो बुद्धि और विचार ये आपको क्लैरिटी आगे की राह देखने में मदद करती है। लेकिन उठ के खड़े हो कि अगला कदम भी उठाऊं, मुझे बुद्धि कह देगी इस दिशा में अगला कदम उठाना है कि, लेकिन उठाने की ऊर्जा कहां से आएगी? तो ऊर्जा जो है वो भावना से आती। इमोशंस आर वेरी पावरफुल फोर्स, सोर्स ऑफ एनर्जी। और उस भावना को भी मैं थोड़ा और ज्यादा, जो हमारी बहुत ज्यादा ऊंची भावना होते हैं उसको हम श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा कहिए कि भावना कहिए, श्रद्धा या भावना ये कोई सिर्फ बुद्धि की ताकत नहीं होती। बुद्धि को आपको पता भी चल जाए कि कोई मुश्किल काम करना है, लेकिन वो करने के लिए प्रेरणा या ऊर्जा सिर्फ बुद्धि से नहीं मिलती। स्टीयरिंग व्हील का डायरेक्शन बुद्धि चलाती है, लेकिन पेट्रोल कहां से आएगा? तो पेट्रोल जो ऊर्जा है वो आपको भावना से मिलता है, श्रद्धा से मिलता है। और भावना से ऊर्जा मिलती है, श्रद्धा से ये होता है कि बीच बीच में सेटबैक मिले तो भी आप कहते हैं ठीक है कोई हर्ष, मैं फिर से उठाऊंगा। तो इसके लिए श्रद्धा चाहिए। बुद्धि कभी कभी, बुद्धि तो बहुत बड़ी ताकत है और ये कोई सबको कहने की जरूरत नहीं मुझे कि हाउ यूजफुल इट इज, लेकिन बुद्धि कभी कभी आदमी को बेवकूफ बना देती है। अगर मुझे एक सेटबैक मिला तो बुद्धि फिर रैशनलाइजेशन शुरू करती है, सेटबैक ये दुनिया ही खराब है, यहाँ के लोग ही बेवकूफ है,
यहाँ काम करने का कोई मतलब ही नहीं, जब तक पैसे नहीं सुनते ही नहीं। तो मेरे डिजर्व टू वर्क फॉर देम, तो फिर बुद्धि बहाने ढूंढती है। बुद्धि बहुत चालाक होती है, बुद्धि बहुत पावरफुल भी है लेकिन बहुत चालाक भी है, और बुद्धि हमेशा सही रास्ता ही बताएगी ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि बुद्धि अपने आप को इल्यूड भी कर सकती है, सेल्फ जस्टिफिकेशन कर सकती है। एक्चुअली आपको भागना है यहाँ से, तो आप समर्थन चाहे 100 जस्टिफिकेशन ढूंढ के निकाल सकते हैं। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कई ऐसे कई डॉक्टर्स हैं, कई लोग हैं जो अच्छी भावना से डिफिकल्ट एरिया में काम करने गए, लेकिन पहले एक दो साल में कुछ सेटबैक मिले, बुरे अनुभव मिले, तो फिर कोई भी अपने समर्थन ढूंढ के छोड़ के चले गए। उनकी बुद्धि कम नहीं थी, लेकिन कम क्या पड़ा, श्रद्धा कम पड़ी, या तो उल्टा भी कह सकते हैं कि अपने विचार पे निष्ठा कम पड़ी, जो भी कहना हो कहिए, या तो अपने विचार पे निष्ठा कम पड़ी या श्रद्धा कम पड़ी। तो लंबे समय के लिए एक ही चीज पे कायम रहने के लिए निष्ठा या श्रद्धा चाहिए, सिर्फ इंटेलेक्ट काफी नहीं है। तो बुद्धि चाहिए, इंटेलेक्ट भी चाहिए, भावना भी चाहिए और निष्ठा या श्रद्धा भी चाहिए। निष्ठा का मतलब होता है कि एडवर्स सिचुएशन आ जाएगी तो ये मेरे दिमाग में जो मूल ध्येय है या मूल्य है जिनके लिए मैं काम करना चाहता हूँ, उनसे मैं विचलित नहीं होऊंगा। तो विचलित नहीं होऊंगा ये सिर्फ बुद्धि से नहीं आता है, बुद्धि को कभी कभी चालाकी पे गेम शुरू कर देते। तो इसलिए हम क्यों इस पे टिके रह सके, तो ये दो तीन चीजें हैं। एक चौथा कारण भी है, आपका लॉन्ग टर्म गोल चाहे जितना लॉफ्टी हो, लेकिन आपको बीच बीच में पड़ाव पे भी कुछ खाना पीना भी मिलना चाहिए। जैसे तो मुझे एवरेस्ट पहुंचना है लेकिन बीच में कुछ नहीं, 29,000 फीट तक सिर्फ आदमी टिक नहीं पाता है, तो वैसे मैं जो काम करता हूँ उसमें बीच बीच में मुझे कुछ रिटर्न्स, अच्छे रिटर्न्स भी मिलने चाहिए, कुछ उसका परिणाम दिखने चाहिए, कुछ थोड़ा भावनात्मक समाधान भी मिलना चाहिए। तो शायद डॉक्टर को वो भावनिक समाधान पेशेंट देखने से मिल जाता है, आरोग्य स्वराज जो होगा तब होगा, लेकिन आज इस आदमी का बुखार तो मैंने उतार दिया, समाधान दिया, वन स्टेप एट अ टाइम। लंबा पिक्चर होगा तब होगा, लेकिन आज एक गांव का तो मैंने कम से कम ट्रेनिंग कर दिया, एक गांव की तो शराब बंद कर दी, 40 गांव के तो निमोनिया कम कर दिए। तो दीज आर ऑल स्मॉल स्टेप्स, लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप्स में हमको समाधान भी मिलता है, उसके साथ में हमको कॉन्फर्मेशन भी मिलता है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। मैं तो किसी का भी इतना लंबा स्टैमिना अक्सर नहीं होता है कि मैं मरूंगा उसके पहले दिन से मेरा ड्रीम पूरा होने वाला है, तो लोग जल्दी जल्दी आत्महत्या कर लेंगे कि पहले दिन ड्रीम पूरा हो जाएगा। सो आपको आप जो कर रहे हैं उसमें बीच बीच में पड़ाव चाहिए, है ना, फलित चाहिए, थोड़ा नरिशमेंट मिलते रहना चाहिए। नरिशमेंट नहीं मिलता है तो फिर आदमी की ऊर्जा नहीं दिखती है, निष्ठा दोलायमान हो जाती है। तो ये 3-4 चीजें मैं कहूंगा। अब ये वैचारिक कहाँ से आता है, तो फिर ज्यादा तो वो पढ़ने से ही आता है, तो पढ़ना, और कुछ हद तक जिन लोगों से मुझे अच्छे विचार मिल सकते हैं उनसे मुलाकात, उनसे मिलना। इसके लिए संस्कृत में शब्द है सत्संगति, अच्छे लोगों की संगति। अब अच्छे लोगों की संगति के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है, अच्छे व्यक्ति से शादी कर लो, सत्संगति होगी तो वो मैंने किया। दूसरा, लेकिन अपने पार्टनर के साथ भी फिर बाद में आपको झगड़ा भी होता है, बोल्डन भी होता है, अपने पार्टनर के साथ बैठ के आप आज चलो आप वैचारिक चर्चा करेंगे, कोई मियां बीवी वैचारिक चर्चा थोड़ी ना करते हैं। तो बीच बीच में आपको भिन्न विचार रखने वाले या थोड़ा आगे का सोच करने वाले जो आपके विचार को नरिशमेंट दें, ऐसे लोगों की संगति उपयुक्त होती, जैसे आप लोग यहाँ आए एक दूसरे के साथ में और निर्माण टीम के साथ में आपको सत्संगति मिल रही है, नरिशमेंट मिल रहा है। तो वैसा सत्संगति और किताब की संगति जो हर रोज आपके हाथ में है, तो ये वैचारिक के लिए होता है।
और ये बीच बीच में आपको अपने काम का बारे में मराठी शब्द है परिचित, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, इसका थोड़ा तो मुझे इंडिकेशन मिलते रहना चाहिए, एविडेंस मिलते रहना चाहिए, नहीं तो मरने के पहले दिन ही मिलेगा तो बहुत लेट हो जाएगा। तो मेरे काम में वैसे भी क्षण होने चाहिए कि जिसने मुझे वो नरिश में नहीं किया।